हाय गाइस वेलकम टू वीडियो टेन ऑफ म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट अभी तक हमने म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के फाइव फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया डेट इज रोलिंग रिटर्न्स शार्प रेशो स्टैंड अल्फा एंड बीटा एंड अगर आपने ये वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर इन्हें पक्का देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा क्योंकि इनको देखकर आपका एक बेस तैयार हो जाएगा एंड आज हम सिक्स फैक्टर को डिस्कस करेंगे डेट इज कैप्चर रेशियो सो आई एम आशुतोष सिंगला फाउंडर ऑफ इनलाइट एंड मैं आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ लेट्स गेट स्टार्टेड कैप्चर रेशो में बताती है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स हंड्रेड पॉइंट्स मूव करेगा तो उसका कितना पार?

अपसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 95 पॉइंट्स अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा मींस इंडेक्स के 100 पॉइंट्स मूवमेंट का सिर्फ 95 पॉइंट्स कवर कर पाएगा एंड अगर किसी म्यूचुअल फंड की अपसाइड कैप्चर रेशो है 115 इसका मतलब यह है कि अगर इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स 100 पॉइंट्स अपसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यह म्यूचुअल फंड भी 115 पॉइंट्स अपसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो भी लगभग सिमिलर है बस ये हमें इंडेक्स के डाउनवर्ड मूवमेंट को कैप्चर करने के बारे में बताती है लाइक like, अगर किसी म्यूचुअल फंड की डाउन कैप्चर रेशो है नाइनटी इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस म्यूचुअल फंड का बेंच इंडेक्स इंडक्स हंड्रेड पॉइंट गिरेगा या फिर डाउन जाएगा तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ नाइनटी पॉइंट्स डाउन जाएगा एंड अगर किसी म्यूचुअल फंड की डाउनसाइड कैप्चर रेशो है वन इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडेक्स 100 पॉइंट्स डाउन जाएगा तो ये म्यूचुअल फंड 115 पॉइंट्स डाउन जाएगा लॉजिकली सोचे तो अच्छा म्यूचुअल फंड वो होगा जिसकी अपसाइड कैप्चर रेशो ज्यादा हो या फिर 100 से ज्यादा हो एंड डाउनसाइड कैप्चर रेसो कम हो या फिर हंड्रेड से कम हो क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे एंड जब मार्केट गिरे तो हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट से कम गिरे एंड हमेशा किसी म्यूचुअल फंड की कैप्चर रेशो को उसकी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के साथ ही कंपेयर करना बट ये कैप्चर कप्चर हम कहां से देखें तो so, किसी भी म्यूचुअल फंड की कैप्चर रेश को देखने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाइए वहां पर आप सर्च की, आप रेशो को देखना चाहते उसको सर्च कीजिए like, अगर मैं इंडिया मल्टी कैप फंड की रेशो को देखना चाहता तो इस को Then, पे आपको रिस्क एंड रेटिंग वाला सेक्शन देखेगा इसके ऊपर क्लिक कीजिए आपको मार्केट वॉलिडिलिटी में कैप्चर रेशो देखेंगे अपसाइड एंड डाउनसाइड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड की अपसाइड कैप्चर रेशो है 112 हंड्रेड ट्वेल्व एंड डाउन साइड कैप्चर रेशो है 111 हंड्रेड इलेवन सो ये था सारा कैप्चर रेशो के ऊपर आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड ऑल्सो अगर आपको म्यूचुअल फंड की एनालिसिस की झंझट में नहीं पड़ना या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड अगर है भी तो आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर डाउट है देन घबराओ मत वी जस्ट घबरा बुक ऑन बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023 ट्वेंटी थ्री इस बुक e में हमने हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया लाइक लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप ई एल एस एस मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप इन सब कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं वो इस ई बुक में तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसके ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो सो आज के लिए बस इतना ही अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना एंड शेयर भी जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल लाइट आइकन को मत भूलना। तो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर